उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने कहा कि जिला में सरकारी आदेशों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। शिमला जिला में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले आने पर उपायुक्त ने कहा कि ये तीनों संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे, जिनसे संक्रमण फैलने का कोई भी खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि सेंटर में जो लोग इनके संपर्क में आए हैं उनके सैंपल लिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस से लोग घबराए नहीं बल्कि एहतियात बरतें और सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। क्योंकि जो 3 मामले आपने बताए हैं, ये वो लोग हैं जो 18 मई को मुंबई की ट्रेन से ऊना पहुंचे थे और ऊना से जो है इनको शोगी लाया गया था और यहाँ पर इनका मेडिकल स्क्रीनिंग करके इनको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन संस्थागत एकांतवास में जो है रखा गया था, दिया के रेस्ट हाउस में। इनकी जो है सैम्पलिंग जब की गई थी, जितने भी हम महाराष्ट्र की ट्रेनों से लोग आए उनकी सैम्पलिंग करवा रहे हैं, इनकी सैम्पलिंग में इन 3 लोगों के जो है रिजल्ट पॉजिटिव आए थे। इनको जो है वहाँ से शिफ्ट करके जो हमारा कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर शिफ्ट इनको कर रहे हैं। देहा से इनको जो है गाड़ी में मूव कर दिया गया है और इनको थोड़ी देर बाद जो है ये हमारा जो BRTI का इंस्टीट्यूट है, कोविड केयर सेंटर जो है वहाँ पर इनको लाया जाएगा। जो इनकी हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है कि किस किस के ये संपर्क में आए थे, तो यहाँ मैं बड़ा आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा कि इनको हिमाचल एंटर होते ही शोगी और जिला शिमला एंटर होते ही शोगी में जब भी आए थे, वहीं से इनको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में डाल दिया गया था। ये किसी के संपर्क में किसी बाजार या अपने रिश्तेदारों के नहीं आए हैं, सिर्फ जो बस में लोग थे उनके साथ जो है ये संपर्क में रहे हैं, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने कर दी है। और इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं 39 हैं, ये सभी के सभी जो है 39 व्यक्ति संस्थागत एकांतवास में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ऑलरेडी रखे गए हैं। इनकी भी सैंपलिंग कर ली गई है और ज़्यादातर के इनके जो है टेस्ट नेगेटिव आए, कुछ टेस्ट जो है अभी इन प्रोसेस है, तो जब उनकी रिपोर्ट आएगी तो हमें पता लग पाएगा कि इन्होंने आगे तो संक्रमण जो बस में थे लोग नहीं बनाया। मैं आप सबको जो आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये किसी भी अपने घर की ओर नहीं गए हैं या बाजार की ओर नहीं गए हैं, सीधे इनको ऊना से शोगी में इनकी स्क्रीनिंग करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेज दिया गया था। यहाँ मैं आपको इस बात का फिर आपकी जो जिम्मेवारी बनती है, जो होम क्वारंटाइन में लोग रह रहे हैं उसका महत्व आप लोग समझ ही गए होंगे कि कितना ज़्यादा है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन उन लोगों के लिए जो रेड जोन के ज़िले हैं 34 के लगभग पूरे देश में, वहाँ से जो आते हैं उनको हम संस्थागत एकांतवास में रखते हैं, परंतु जो ऑरेंज और ग्रीन से आते हैं तो उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाता है। अब मैं आपसे जो है पुनः अनुरोध करूँगा कि जो आप लोग होम क्वारंटाइन में उसका कड़ाई से पालन करें, उसका उल्लंघन कृपया करके ना करें। जिला प्रशासन भी बहुत सख्ती इस ओर बरत रहा है और मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग होम क्वारंटाइन को जो है उसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ हम FIR कर रहे हैं और उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जो है शिफ्ट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।